तो हे यू गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप कैसे अपने फ़ोन पे, कैसे स्मार्ट स्पीकर है इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो, इसको बंद कर सकते हो। इसको बंद करने के बाद आपके जो यहाँ पे जो वो कटते हैं ना, जो पैसे कटते हैं वो पैसे भी नहीं कटेंगे। और इसको आप मतलब बंद कैसे करवा सकते हो अपने फ़ोन पे का स्मार्ट स्पीकर, बहुत ही आसान प्रोसेस है। आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा बंद करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होने वाला है। वैसे अगर आप फ़ोन पे के बिजनेस ऐप में जाके देखोगे तो वहाँ पर आपको कोई कुछ भी बंद करने का कोई तरीका देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करने की कॉल करनी होगी। तो कैसे बात करने हैं मैं यहाँ पर आपको कॉल लगा के भी दिखाऊंगा और बात करके भी दिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। वीडियो एंड तक सारे बंदे देखते रहना और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा कि आप कैसे यहाँ पे फोन पे के स्पीकर डीएक्टिवेट कर सकते हो, फोन पे के स्पीकर को बंद यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों को एक रीज़न ढूंढ के रखना है कि आप लोग अपने फ़ोन पे का स्पीकर बंद क्यों करवाना चाहते हो। बिकॉज जब आप फ़ोन पे वाले से बात करोगे ना, जब आप फ़ोन पे के कस्टमर केयर से बात करोगे, तो जब वो फ़ोन उठाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि यस सर, वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, पर आपसे कोई एक रीज़न पूछेंगे कि आप उसको बंद क्यों करवाना चाहते हो। वैसे आप, मैं बंद करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसके जो 125 रुपये का मंथली प्राइस है, इसके लिए यार जब 125 रुपये देने हैं तो मैं अपना यहाँ पे पेटीएम वाला ना चला, वो हिंदी में भी बोलता है यार, ये इंग्लिश में बोलता है, तो उसमें भी अलग दिक्कत है। और बाकी अगर आप इनके फ़ोन पे बिजनेस ऐप में भी आके देखोगे तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है इनके बिजनेस के ऐप में। हेल्प के नाम पे अगर मतलब आप बात भी करते हो तो सिर्फ बॉट मिलते हैं आपको। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता कि कस्टमर कोई बात करे, कोई रियल बंदा बात करे, नहीं, सिर्फ बॉट बॉट बात कर रहे होते हैं, वही नॉर्मल सी। तो ये तो बेकार ही है कि फ़ोन पे का बिजनेस ऐप में इतना कुछ खास वैसे भी देखने को मिलता नहीं है, बल्कि वहीं पर पेटीएम वाला ज़्यादा अच्छा। चलो छोड़ो, कंपेयर छोड़ो, मैं कंपेयर क्यों करने लग गया। मैं आप लोग बताने वाला कि आप कैसे इसको जो फ़ोन पे के स्मार्ट स्पीकर रिएक्टिव करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एंड हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, आपके जो इस नाम से आपने बनवाया था, ठीक है, जिस नाम से आपने बनवाया था, मतलब आपका जो रियल नेम है, वो रियल नेम आप लोगों को बताना पड़ेगा वहाँ पे। और साथ में आप लोगों को बताना पड़ेगा कोई भी एक रीज़न। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मैडम प्राइस बढ़ गया है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि वो हो गया है, ये मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं होता। एंड एक्चुअली मेरा फ़ोन पे बहुत ही कम यूज़ होता है, पेटीएम वाला ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है फ़ोन पे, इस पर आपको कॉल करना है सिंपली, ठीक है। इस वाले नंबर में यहाँ पे कॉल करता हूँ, ये जो नंबर देख रहे हो, ये जो नंबर यहाँ पे फ़ोन पे भी लिखा हुआ रहता है, उस पर एक नंबर कॉल करना। तो ये नंबर है वो, इस नंबर पर मैं आपको कॉल करके दिखाने वाला हूँ कि ठीक है कैसे कैसे होने वाला है। तो इस नंबर में यहाँ पर कॉल करूँगा। और साथ में बता दूँ, जो जियो का सिम, मतलब जिस नंबर से आपका बना हुआ है, सिर्फ उसी से आपको कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पे जियो वाला जो सिम है, उस नंबर से मेरा यहाँ पर फ़ोनपे का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। यहाँ पर मैं लगा दी कॉल, अब बात सुनिए। हिंदी में आगे बढ़ने के लिए एक दबाएं, टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं उससे संबंधित सवालों के लिए एक दबाएं, किसी अन्य नंबर से संबंधित जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं वो एक फोन पे बिजनेस खाते के साथ साथ एक फोन पे ग्राहक खाते से जुड़ा हुआ है। फोन पे बिजनेस खाते से संबंधित सवालों के लिए एक दबाएं। अपने फोन पे ग्राहक खाते से संबंधित सवालों के लिए दो दबाएं। दोबारा सुनने के लिए पेमेंट और सेटलमेंट से संबंधित सवालों के लिए एक दबाएं। बैंक अकाउंट जानकारी, केवाईसी या अपने किसी भी प्रोफाइल से संबंधित जानकारी को अपडेट करने के लिए दो दबाएं। QR कोड से संबंधित सवालों के लिए तीन दबाएं। धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए चार दबाएं। किसी भी अन्य सवाल के लिए नौ दबाएं। हमारे सहायता अधिकारी जल्द ही आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। यह कॉल फीडबैक के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग फोन पे मर्चेंट हेल्पडेस्क, दिस इज धनश्री, हाउ मे आई असिस्ट यू। मैडम, मेरे को अपना ये फोन पे बिजनेस का स्मार्ट स्पीकर है ना, उसको बंद करवाना है। सर, जैसे कि आपने बताया आपका जो फोन पे का जो स्मार्टफोन स्पीकर है आपको बंद करवाना है। सर, पूछना चाहती हूँ आपको स्मार्टफोन स्पीकर क्यों बंद करवाना है। मैडम, इसके प्राइस 125 रुपीज हो गए ना। यस सर, तो सर देखिए, अपकमिंग डेट में इसके ऊपर फिर से ऑफर आ सकता है, आप ये बंद क्यों करवा रहे हो। मैम, इसका यूज भी नहीं होता इतना। ओके, यूज नहीं कर रहे हो। ओके, निश्चिंत रहिए सर, आपको पूरी सहायता की जाएगी। आपने बताया कि आपका जो साउंड स्पीकर है आपको बंद करवाना है, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मुझे आपका बिजनेस नेम बता दीजिए वेरिफिकेशन पर्पज के लिए। मैम क्या बिजनेस नेम में आपने कौन से नाम से फोन पे बिजनेस अकाउंट बनाया है। पवन शॉप हो गई, पवन शॉप या राजेश शॉप, एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ। यस सर, चेक पवन शॉप है।
और नहीं, नाम किसके नाम से है? पवन, पवन कुमार। पवन कुमार, पूरा नाम क्या है? पवन कुमार सिंह। ओके पवन कुमार जी, वेरिफिकेशन देने के लिए धन्यवाद। आपने जैसे बताया कि आपको जो साउंड स्पीकर आपको डीएक्टिवेट करवाना है, निश्चित तरह से आपको पूरी सहायता किया जाएगा। मैं देखिए ऐसे शेड्यूल विजिट अरेंज करवाती हूँ, जैसे भी मैं शेड्यूल विजिट अरेंज करवाती हूँ, फोन पे गए तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आपको शॉप को विजिट करेंगे और आपका जो साउंड स्पीकर आपको बंद करवाना है वो आपको बंद करवा देंगे। तो मुझे शेड्यूल विजिट अरेंज करवाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्या आपको कॉल सिर्फ 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकती हूँ? ओके मैम, धन्यवाद। पवन जी हेल्प पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो पवन जी, देखिए मैंने ऐसे शेड्यूल विजिट, हेलो पवन जी, मैंने शेड्यूल विजिट अरेंज किया है, तो आज से लेके सात दिन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव आपके शॉप के विजिट करेंगे और आपका जो साउंड स्पीकर आपको डीएक्टिवेट करना है सर, वो करवा देंगे। आप आज से लेके सात दिन तक, जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ, आज से लेके सात दिन, जैसे कि 25 फरवरी 2023 तक हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आपके रजिस्टर एड्रेस पे आएंगे और आपका जो साउंड स्पीकर आपको डीएक्टिवेट करवा देंगे। तो आपका रजिस्टर एड्रेस एक बार मैं कन्फर्म करवा लेती हूँ। देखो, देवी शिव पार्क, साउथ दिल्ली, दिल्ली, और पिन कोड है 1100062। जैसे आपका रजिस्टर एड्रेस है सर, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे आज से लेकर सात दिन के अंदर। ये जो सात दिन का पीरियड रहता है सर, ये मैक्सिमम पीरियड रहता है, हो जाता है तो इसके पहले भी रिप्रेजेंटेटिव आपके शॉप को विजिट कर सकते हैं। ओके यस, इसके अलावा और कुछ सहायता कर सकते हैं आपकी? नहीं नहीं, थैंक यू। यस, फोन पे वर्चुअल हेल्प डेस्क में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। तो अभी आपने मेरे और फोन पे जो सर्विस सेंटर है उनसे बात सुनी, ठीक है? तो इसमें मैंने साफ साफ उन्हें बोल दिया कि मेरे को अपने जो ये डीएक्टिवेट करवाना है, इसको बंद करवाना है। तो आप कैसे, मतलब उन्होंने फिर बोला कि ठीक है हम बंद करवा देंगे? उन्होंने बस मेरे से यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम पूछा, ठीक है, और जो एड्रेस वेड्रेस कन्फर्मेशन किया कि यही एड्रेस है, और उससे मेरे से रीज़न पूछा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीज़न आपको बताना पड़ेगा, तो मैंने बता दिया कि भाई मेरा इतना यूज़ होता नहीं है। आप भी अपना बता सकते हैं, रियलिटी में मेरा यूज़ होता नहीं है। अब अगर आपका कोई दूसरा रीज़न है तो आप दूसरा बता सकते हो कि बिज़नेस हम बंद कर रहे हैं, ये कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है? वो ज़्यादा चैचू नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि 7 डेज़ के अंदर, सात दिन के अंदर अंदर में वो अपना एक बंदा भेजेंगे फ़ोन पे वाला, एंड वो आके हमारे जो फ़ोन पे का स्मार्ट स्पीकर वो यहाँ पे बंद करवा देगा। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगर आपसे कुछ पूछेगा भी तो आप यहाँ पे बता देना, एंड वो आपका जो भी करेगा बता देना। एंड एक चीज़ ज़रूर पूछ लेना कि भाई मेरे को इसके पैसे कितने मिलेंगे, मतलब जो मैं रिफ़ंड करूँगा ये फ़ोन पे का स्मार्ट स्पीकर, इसको मेरे को पैसे कितने मिलेंगे? बिकॉज भाई अगर पैसे नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा तो बंद रहने देते, ठीक है? आप उनसे बोलना ज़रूर, नहीं बोलोगे तो क्या पता वो आपके पैसे खुद रख ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? वैसे रखने का कोई चांस ही नहीं, सारा सिस्टम तो ऑनलाइन होता है, बट आप उससे बोल देना। इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे का स्मार्ट स्पीकर को डीएक्टिवेट कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको उस पर फ़ोन करना है, जैसे मैंने बात की वैसे आप भी बात कर लेना, और आप बोल देना जो बंदा आएगा वो बंद करके आपको यहाँ पे दे देगा। अब बाकी का सारा काम उस डिलीवरी बॉय का, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका इंतजार करना है और वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है? इतना तो है ही। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो से प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। वीडियो लाइक जरूर से जरूर करना। मिलता आपको अगली वीडियो में।